डिगरा शहर में मंगलवार की शाम यवतमाल से आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत 13 लोगों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने की जानकारी कोविड केयर के सूत्रों ने दी है। इसके साथ ही आज सुबह कोविड केयर से 3 लोग पॉजिटिव से निगेटिव होने से उन्हें डिस्चार्ज दिए जाने की खबर मिली है, जिसके बाद कोविड केयर के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कोविड केयर में शामिल कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 80 हो चुका है। इन 20 अन्य कोविड केयर सेंटर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार से अब तक के तहसील में कोविड 19 के ग्राफ पर फोन पर जानकारी ली। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने जानकारी दी जो इस प्रकार है। मालूम हो कि 22 मार्च 2020 से अब तक दिग्रस कोविड केयर सेंटर के माध्यम से दिग्रस शहर और तहसील के तहत आने वाले ग्रामीण इलाकों में आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के कुल 5075 टेस्ट किए गए, जिसमें से अब तक 752 मामले पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान 650 से ज्यादा लोग अब तक पॉजिटिव से निगेटिव हुए और वही अब तक तहसील में करीब 17 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। बहरहाल आज मंगलवार को आरटीपीसीआर टेस्ट से नतीजों में शहर के साईनगर से 5, गावलीपुरा से 3, गांधीनगर से 1, गुरुदेव नगर से 2, श्रेयस नगर से 1 और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी आरएनएस के कर्मचारी 1 आदि का समावेश है। ऐसे में शहर और तहसील के नागरिकों को चाहिए कि वे आए दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कामों के लिए बाहर जाते हुए और बाहर से घर की ओर लौटते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क आदि का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आम दिनों की तरह धीरे धीरे मार्केट खुल गया है तो जरूरत के सभी प्रतिष्ठान कार्यालय शुरू हो चुके हैं। बावजूद इसके गौर करने वाली बात है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं। NBC न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।